हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईटीआई में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास शुरू की थी, जिसका आज पांचवा क्लास है। तो जो कि यह फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के लिए किसी भी ट्रेड के हो, यह निमी से आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है 41 नंबर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए इंजीनियरिंग कस्टम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड निम के उपयोग के आदेश देता है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, या फिर ऑप्शन डी है फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। जब कोई वृत्त इसके दिए गए 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है, इसका केंद्र निम्न के प्रतिच्छेदन पर स्थित होता है। आपका ऑप्शन ए है सर्वाधिक लंबाई वाली रेखा के लंबवत द्विभाजक तथा सर्वाधिक छोटी रेखा के एक सिरे से खींची हुई अभिलंबवत रेखा, ऑप्शन बी है सर्वाधिक छोटी रेखा के अभिलंबवत द्विभाजक तथा सर्वाधिक लंबाई वाली रेखा के सिरे से खींची गई अभिलंबवत रेखा, या फिर ऑप्शन सी है बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत द्विभाजक, ऑप्शन डी है प्रत्येक बिंदु के माध्यम से खींची गई स्पर्श रेखा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के अभिलंबवत द्विभाजक। ठीक है, चलिए आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। सेक्शनल भाग रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए मोटी, ऑप्शन बी डैश, ऑप्शन सी हैचिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हैचिंग। ठीक है, हैचिंग रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। हैचिंग लाइंस कोड पर खींची जाती हैं। आपका ऑप्शन ए 15 अंश, ऑप्शन बी 30 अंश, ऑप्शन सी 45 अंश, या फिर ऑप्शन डी 60 अंश। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 45 अंश। ठीक है, चलिए आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन पे घन के सममिति रेखा चित्र में आपका ऑप्शन ए है फ्रंटल फेस अपने वास्तविक आकार में दिखता है, ऑप्शन बी है रिसीडिंग पश्च प्रवण एक्सेज हॉरिजेंटल में 45 अंश पर होते हैं, ऑप्शन सी है सभी पृष्ठीय समान रूप से विकृत होते हैं, ऑप्शन सी है सभी पृष्ठीय, ऑप्शन डी है केवल गहराई वाली दूरियों को कम किया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे लीड ग्रेड का निम्न में से कौन सा सेट ग्रेड के क्रम से बाहर का है। आपका ऑप्शन ए है HHB BB3, आपका ऑप्शन बी है 7B HF3H, आपका ऑप्शन सी है 6B BH4, आपका ऑप्शन डी है 9H HB B तथा 2B। इसमें आपका बी राइट आंसर होगा, H7B H और F H3H वाला, क्योंकि F कोई ग्रेड नहीं होता है लीड का। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन पे टाइटल ब्लॉक्स का मानक आकार होता है। आपका ऑप्शन ए है 170 mm × 65, ऑप्शन बी है 180 mm × 80 mm, ऑप्शन सी है 200 mm × 100 mm, ऑप्शन डी है 250 mm × 120 mm। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 170 mm × 65 mm। ठीक है, चले आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से सबसे छोटी ड्राइंग शीट है A0, ऑप्शन बी A3, ऑप्शन सी A2, या फिर ऑप्शन डी A4। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, A4। A4 सबसे छोटा है इसमें, वैसे तो सबसे छोटा होता है A5। ठीक है, आते 49 नंबर क्वेश्चन पे। सुपर इम्पोज्ड डायमेंशन की सरलतम विधि है। ऑप्शन ए
चेन डायमेंशनिंग, ऑप्शन बी पैरेलल डायमेंशनिंग, ऑप्शन सी कंबाइंड डायमेंशनिंग, ऑप्शन डी टेबुलर डायमेंशनिंग। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पैरेलल डायमेंशनिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 50 नंबर क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन। जब विजिबल लाइंस, पहला विजिबल लाइंस, दूसरा हिडन लाइंस, तीसरा प्रोजेक्शन लाइंस तथा चौथा सेंटर लाइन ओवरलैप करती हैं, प्राथमिकता का अनुशंसित क्रम होता है। आपका ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 4 3, ऑप्शन सी है 2 1 3 4, या फिर ऑप्शन डी है 2 1 4 3। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नहीं, अब मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।